सभी को मैं हूँ सुशील जोशी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। और कल के हम वीडियो में इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में चार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। आज हम देखेंगे इसके ऊपर के क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व करेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सभी पेरेंट्स और बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अच्छे से देखें, बार बार देखें और इसे कॉपी में लिखें और इसकी प्रैक्टिस घर पे करें, ताकि जब स्कूल शुरू हो जाएगा तब आपको समझने में दिक्कत ना हो। आपके पास अभी टाइम है, आप घर पे अच्छे से इसको देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं बस कुछ ही मिनटों में दोबारा इस चार्ट को रिवाइज करता हूँ। कल हमने हॉरिजॉन्टल वे में इसको लिखा था, आज मैंने इसको वर्टिकल वे में लिखा है। फिर से एक बार देखते हैं, जिन बच्चों ने मिस किया होगा कल का टॉपिक उनके लिए दोबारा ये अच्छे से आप कर सकते हो, और जो आज देख रहे हैं नए से वो भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे सीढ़ियाँ जैसे ऊपर जाती है उसी तरह से मैंने चार्ट को लिखा है। सबसे नीचे की सीढ़ी पर मान लो वंस है, उसके बाद टेंस आता है, उसके बाद हंड्रेड थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन, बिलियन, टेन बिलियन। आपको बस एक याद रखना है कि वन लिखा है, उसके बाद एक एक जीरो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। इतना आपने याद किया, इस चार्ट को आपको अच्छे से याद करना है ताकि इसके ऊपर पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। सो लेट अस बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन। अगेन आई विल रीड इट, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन 2, 3, 5, 6, 7, 8। कल मैंने आपको बताया था जब आपको प्लेस वैल्यू अंडरलाइन डिजिट की निकालनी है, यहाँ पर 2 की प्लेस वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो सबसे राइट हैंड साइड में पहले नंबर से आपको नंबर को पढ़ना स्टार्ट करना है। क्या याद रखना है, राइट हैंड साइड का पहला नंबर, यहाँ से आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आना है, पढ़ना स्टार्ट करना है। इस वे में एरो दिख रहा है, इस वे में आपको पढ़ना है। सो फर्स्ट वन इज 8, सबसे आखिर पहला नंबर वंस होता है, वंस, उसके बाद टेंस, यहाँ पे देखिए टेंस, देन हंड्रेड, 600 पे आ रहा है, 5000 की प्लेस पे, 3, 10,000, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 और 2 आता है 100,000 में, 100 × 1000 मैंने लिखा है। तो पहले हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू, प्लेस वैल्यू 2 की किस प्लेस पे है, 100,000 की प्लेस पे आया है, तो 2 को पहले लिखना है, उसके बाद लिखना है मल्टीप्लिकेशन साइन और 100,000 के लिए 100 × 1000। अगर आपको याद होता है तो 50 आप 1 के ऊपर लिख के एक साथ लिख सकते हैं। सो 2 × 1, 2, और कितने जीरो से काउंट करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 and 5, तो ये हो गई प्लेस वैल्यू ऑफ 2। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब बी क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे अंडरलाइन डिजिट कौन सा है, 9 है, 9 इज द अंडरलाइन डिजिट हियर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर 7 यू मूव, स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ आना है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन। सो 9 प्रेजेंट एट द मिलियन प्लेस। हम इंटरनेशनल सिस्टम में देख रहे हैं, तो ये चार्ट आपको याद रखना है, वंस, टेंस, हंड्रेड थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन। मिलियन के लिए 10 × 100,000 को मल्टीप्लाई किया, तो पहले आप लिखोगे प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज इक्वल टू, 9 को पहले लिखना है, बाद में मल्टीप्लीकेशन साइन देना है, तो वहां पे 1 लिखना है और 0 आप लगाओगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देयर आर 6 जीरोज इन मिलियन। मिलियन में कितने जीरो आते हैं, 1 के ऊपर 6 जीरो आते हैं। सो मल्टीप्लाई करके आप कैसे लिखोगे, 9 × 1 इज इक्वल टू 9, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 6 जीरोज को आपको बस पुट करना है, तो ये हो गई प्लेस वैल्यू ऑफ 9। इस तरीके से आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। अब यहां पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सी क्वेश्चन को।
फिर से मैंने आपको कहा कहा राइट से लेफ्ट की तरफ आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड एंड मिलियन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड एंड मिलियन, फिर प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो, जीरो इंटू वन, वन के ऊपर सिक्स जीरो लगाना है, याद रखना है। हमने देखा है मैथ्स में जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जीरो आता है, आपको मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है, बस ये याद रखना है जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर वी गॉट ऑलवेज जीरो, आंसर हमारा जीरो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन डिजिट फाइव है तो मैं लिखता हूँ प्लेस वैल्यू ऑफ फाइव, फाइव इज इक्वल टू, फाइव को मैंने पहले लिखा प्लेस वैल्यू के लिए मल्टीप्लीकेशन साइन, फिर इसे पढ़ता हूं मैं राइट से लेफ्ट की ओर, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, तो फाइव आता है थाउजेंड के प्लेस पे, सो इसे मैं थाउजेंड से मल्टीप्लाई करूंगा, फाइव इंटू वन फाइव, और थाउजेंड में थ्री जीरोज है, एक दो तीन, एक दो तीन जीरोज मैंने पुट किए, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहां पे देखिए अंडरलाइन डिजिट थ्री है, प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री, सो थ्री को मैं पहले लिखूंगा मल्टीप्लीकेशन साइन होगा, तो फिर पढ़ना स्टार्ट करूंगा, वंस टेंस हंड्रेड, थ्री हंड्रेड प्लेस पे है तो मैं इसे हंड्रेड से मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले थ्री इंटू वन थ्री, हंड्रेड में कितनी जीरो है, दो जीरो, वन एंड टू जीरो आर देयर, सो आंसर हमें मिलता है थ्री हंड्रेड, प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री वी गॉट हियर थ्री हंड्रेड। सिमिलरली हियर अंडरलाइन डिजिट इज टू, प्लेस वैल्यू ऑफ टू इज इक्वल टू, टू को पहले मैं लिखूंगा फर्स्ट राइट टू राइट देन राइट मल्टीप्लीकेशन साइन, टू हियर एंड रीड द नंबर फ्रॉम योर राइट हैंड साइड, द फर्स्ट नंबर इज टू, सो टू इज प्रेजेंट एट वंस प्लेस, सो मल्टीप्लाइड बाय वन, टू कहां पे, वंस की प्लेस पे टू है, वंस की वैल्यू क्या है, वन है, सो टू को वन से मल्टीप्लाई करो, प्लेस वैल्यू ऑफ टू हमें मिलती है टू। तो इस तरीके से आप इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये दो क्वेश्चन जी एंड एच आपके लिए होमवर्क के लिए दिए जा रहे, तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो नीचे कमेंट में इसकी वैल्यू आप घर पे प्रैक्टिस करके वैल्यू मुझे कमेंट में लिखेंगे कि इस नाइन के अंडरलाइन डिजिट की वैल्यू क्या आती है और सेवन के अंडरलाइन डिजिट की यहाँ पे वैल्यू क्या आती है। तो इस तरीके से हम इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन आता है तो बस आपको ये चार्ट याद रखना है, ये चार्ट नीचे से ऊपर की तरफ याद रखना है आपको, अगर ये आपने याद रखा तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।